सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आफ्टर अ लिटिल गैप आई एम अगेन विद यू। आज मैं एक ना हजम होने वाली कहानी डिस्कस करने आई हूँ। इट्स अ ट्रू स्टोरी, आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज, दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके बारे में बहुत साल पहले बात करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त शायद इतनी करेज नहीं थी मुझ पर कि मैं ऐसे इशू को भी टच कर सकती हूँ। सो नाउ इट्स अ टाइम टू टेक द थिंग्स ऑन सर्फेस। एक लड़की को, एक खातून को ऑब्जर्व करने का, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने का मुझे मौका मिला ज़िंदगी में। वक्तन फ़वक्तन उससे मुलाकात होती, उसके व्यूज़ पता चलते, और यकीन करें कि उस वक्त मैं इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उन सारी बातों को समझ सकती, लेकिन जब कभी भी जो भी बात वो करती वो मेरे दिल पर नक्श होती, हिट करती, और सदियों तक मुझे ऐसे लगता जैसे कि सदियों तक मेरे अंदर उतर गई है। बड़ी तकलीफ़ होती मुझे उसकी बातें सुनकर। आसान लफ्ज़ों में वो बेईमान लड़की थी। बेईमान मतलब अनफेथफुल, बेवफा, अनफेथफुल, बुरी, बद किरदार। वो लड़की मैरिड थी और एक बच्चे की माँ भी थी, जबकि एक आदमी ने उसकी एक मदद की छोटे से किसी टास्क में। शी वॉज इन अ मार्केट एंड शी वॉज जस्ट एंटेंगल्ड इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। सो अगर वो मदद ना करता तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत बड़े होते। एनी हाउ, मदद करने वाले ने सिला भी मांग लिया, उससे प्रपोज किया। दैट प्रपोज करने का मतलब ये नहीं होता कि उसे प्रपोज कर दिया जाए, ही वॉज हैविंग जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप मेरे साथ एक कप चाय पिए। उसने कहा कि एक कप चाय मेरे कलरफुल कॉटेज में, वहाँ पर बहुत कुछ तो नहीं है लेकिन इतने रंग ज़रूर हैं कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यू मस्ट कम देयर। उसने इंटरेस्ट की चंद बातें की एंड शी वॉज जस्ट रेडी टू सी अ न्यू वर्ल्ड। वो लड़की बला की हसीन थी, जगह जगह से टूटी हुई भी थी, डिसअपॉइंटेड भी थी, निगलेक्टेड भी थी, और अपने हस्बैंड के साथ उसके कोई अच्छे रिलेशंस भी नहीं थे। एनी हाउ, उसके ये सेंटेंसेस जो अगले चंद लम्हों में मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद वो आपको भी उसी तरह हिला कर रख दें। उसने कहा, सिद्रा मैं जब पहली बार टैक्सी में बैठकर उसके कमरे की सीढ़ियाँ देख रही थी ना, वो मंजर हर रात मुझे छलनी करता है। मैं टैक्सी का दरवाज़ा हर रात खोलती हूँ और उतरकर भागने लगती हूँ। मेरे पाँव छलनी हो जाते हैं, छिल जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी उसके कमरे में नहीं जाती, ना मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, ना उस कमरे में होने वाली कोई चीज़ मेरे से रिलेट करती है, ना मैं बदकिरदार बनती हूँ। मैं हर रात इस अज़ियत से गुजरती हूँ, हर रात मैं यकीन करती हूँ कि मैं उस टैक्सी से नहीं उतरी थी, लेकिन सिद्रा मेरी कोई बचत ही नहीं होती, मेरा कोई इलाज ही नहीं होता। मैं उस वक्त मजबूर थी कि सिर्फ सुन सकती थी, उसकी बातों का कोई हल मेरे पास नहीं था, और अब वो मुझसे इतनी दूर है कि मैं उससे चाह के भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन आप लोगों से ये सारी बात शेयर करने का एक मकसद है। हम सब लोगों की ज़िंदगी में ना ऐसे काले रास्ते ज़रूर आए होते हैं जहाँ पर हम ख्वाब में भी दोबारा चलना गवारा नहीं कर सकते। ऐसे कमज़ोर लम्हे हम सबकी ज़िंदगियों में आए होते हैं जिनको हम ख्वाब में भी रिपीट करने के बारे में नहीं सोच सकते, और ये चीज़ हमें छलनी करती है, ये हमें कमज़ोर करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल साइड ऑफ दिस पिक्चर। ये कमज़ोरी नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, ये मजबूती है आपके अंदर की, और ये ग्रोथ है। अब मैं इसको जिस तरीके से लेती हूँ, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके और मेरे कंधों पर इस रियलाइजेशन के बाद आकर बैठ गई है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ अब हम अपने आगे आने वालों को फैसिलिटेट करेंगे। उस वक्त जो जवाब मैं उस लड़की को नहीं दे सकी थी आज दे सकती हूँ। आज मैं अपनी स्टूडेंट्स को 99% यही जवाब देती हूँ कि नाउ यू हैव रियलाइज्ड इट्स अ टाइम टू पैक योर बैग एंड मूव ऑन। अब चलो आगे, अब उसी लकीर को बैठकर मत पीटो, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, जो गलती समझ में आ जाए उसे सीख कर आगे बढ़ने का नाम ग्रोथ है, कुछ और नहीं है। चाहे आपको हर गली मोहल्ले हर जगह पर क्रिटिसाइज किया जाता हो, बल्कि आपको देखकर आवाज कसी जाए कि ये तो वो है ना, वो जो ऐसे करती थी, वो जो वैसे करती थी, इट्स ओके, हैव योर ओन स्ट्रेंथ। किसी ने आपका साथ नहीं देना। ट्राई टू ग्रैब वन पॉइंट ओनली, दैट जस्ट बी इन फ्रंट ऑफ अल्लाह'स कोर्ट, नो वन एल्स मैटर्स। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच।